दोस्तों, ये है गाड़ी एस गोल्ड टाटा का BS6। इसमें प्रॉब्लम है यूरिया का, लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर उसका वीडियो देखना है, यूरिया की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो हमने पहले वीडियो बना के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन में देने देख लीजिएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि गाड़ी स्टार्ट हो गई, बट आपको दिखाते हैं स्टार्ट करके। यहाँ से जैसे गाड़ी स्टार्ट हो रहा है, ये DPF की लाइट ब्लिंक कर रही है। यूरिया वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब हम इसको प्रॉब्लम क्या है, DPF की लाइट जिसके लिए ब्लिंक कर रहा है, तो उसके लिए हम ये अपना स्कैनर स्कैन प्लस एक्स कनेक्ट किया है, जिसका कनेक्टर आप वहाँ देख सकते हैं, इस पर लाइन आ रहा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, स्कैन प्लस एक्स पे क्लिक करते हैं, लोकल डायग्नोसिस में जाएंगे, ACN में जाएंगे, उसके बाद यहाँ नीचे जाके टाटा इंडिया पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ से जाएंगे व्हीकल सिलेक्शन, पिकअप व्हीकल्स BS6 डीजल एस गोल्ड 7LHC इंजन, सिस्टम सिलेक्शन, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे और यहाँ से रीड फोल्ड कोड करते हैं। अभी रीड फोल्ड कोड में हमें देखिए दो कोड आ रहा है, T24A4-85 एक्सेस DPF सूट मास्टर ऑब्जर्व स्टेज 1 110%, DPF एक्सेस सूट मास्टर ऑब्जर्व स्टेज 2 125%। ये दोनों करंट में आ रहे हैं यानी कंफर्म है, तो इसका एक ही वजह है क्योंकि इसका सूट मास हाई हो गया। अब इसमें सूट मास कितना ग्राम है वो भी दिखाएंगे। आप यहाँ से बैक जाएंगे, री डेटा स्टेन पे क्लिक करेंगे, सिग्नल पैरामीटर पे क्लिक करेंगे और नीचे में जाएंगे, सूट मास वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे देखिए सूट मास वैल्यू चेक करके ओके कर दिया। अब यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 23.25.43 ग्राम्स। अब इसको हमें रीजनरेशन करना पड़ेगा, तभी जाके इसका पिकअप सही होगा। आपको एक्सलेशन देने के बाद भी इंजन पे कुछ पास फर्क नहीं पड़ रहा है, चेक लाइट भी नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ से जाते हैं पहले बैक, अब इसका रीजनरेशन करेंगे। यहाँ से गए बैक, फिर से बैक जाते हैं स्पेशल फंक्शन। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, आपको DPF सर्विस रीजनरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमारा चूंकि 20-28 ग्राम के बीच में है, तो हमारा आइडियल पे हमारा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ओके करेंगे, यहाँ पे ओके करते हैं। हमारा देखिए ये जो कूलेंट का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, क्लच ब्रेक प्रेस नहीं होना चाहिए, एक्सीलेटर भी प्रेस नहीं होना चाहिए और इंजन आइडियल पे 900 RPM होना चाहिए, ठीक है। ओके किया। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये टेम्परेचर वगैरह सब कुछ फिट है, यहाँ सूट मास की वैल्यू भी बता रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे स्टार्ट पे क्लिक किए इंजन का रेस बढ़ गया। आपको इधर ध्यान से सुनेंगे, नॉर्मल आइडियल स्पीड नहीं है, ये रीजनरेशन की वजह से इंजन का स्पीड बढ़ गया है। ये हमारा रीजनरेशन का प्रोसेस चालू हो गया और यहाँ पे आप लाइट भी ब्लिंक कर रहा है। ये प्रोसेस लगभग टाटा की गाड़ियों में 40-45 मिनट, कभी 50 मिनट भी ले लेता है। अगर सूट मास की वैल्यू ज़्यादा है तो आपको 50 मिनट भी ले लेगा। इस तरीके से हम यहाँ पर लगा के और अपना स्कैनर का कनेक्टर वहाँ पर लगा हुआ है, वापस से इसका रीजनरेशन करने पर स्पीड बढ़ा है अभी, और ये हमारा प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हम आपको बीच बीच में दिखाएंगे दोस्तों कि ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि पूरा वीडियो बनाएंगे तो 1 घंटे तक हो जाएगा और वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा, तो जैसे जैसे आपको हम बीच बीच में दिखाएंगे कि क्या प्रोसेस है और कहाँ तक पहुँचा, तब तक लिए वीडियो पॉज करते हैं दोस्तों और आपको दिखाएंगे आगे कि क्या हो रहा है। वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में और कैसे सॉल्व हुआ। दोस्तों लगभग मेरा 15 मिनट होने वाला है, ये मैंने 3 बजे के आसपास इसको स्टार्ट किया था, 13-14 मिनट हो गया। अभी भी हमारे जो साइलेंसर के पास से अजीब तरीके का स्मेल आएगा, बदबू आएगा, क्योंकि तो रीजनरेशन के टाइम पे जो वहाँ पे कचरा जमा रहता है सूट मास, वो आपको बर्न होता है, जिसके वजह से वो आपका टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। आपको इसके पास साइलेंसर के पास वहाँ पे कोई ऐसा चीज़ ना हो जिसमें आग लग सके, इसका ध्यान रखना है। हमारा रीजनरेशन अभी भी कंटिन्यू चल रहा है और ये देखिए उसका लाइट भी ब्लिंक कर रहा है और साथ में यहाँ से इंजन का जो RPM है वो हाई हो चुका है और आपको काफ़ी हीट यहाँ से फील होगा, क्योंकि ये इंजन का जो साइलेंसर है वहाँ से आई RPM पे आपको हीट निकलता है और साथ में सूट मास जो बर्न हो जाता है उसको जो गैसेस होते हैं वो बाहर आते हैं। तो अभी हमारा लगभग आधे घंटे का और प्रोसेस होगा, तो मैं आपको इसी तरीके से बीच बीच में दिखाते रहूँगा कि प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा और क्या कंडीशन है गाड़ी का। वापस इसको हम वीडियो को करते हैं पॉज और दिखाएँगे आपको नेक्स्ट टाइम कि आगे हमारा कहाँ पहुँचा। तो दोस्तों लगभग हमारा अभी आधे घंटे का टाइम हो चुका है, फिर भी ये हमारा जो प्रोसेस है वो अभी भी चल रहा है
मैंने आपको पहले ही बोला था, ये जो प्रोसेस है लगभग टाटा की गाड़ी में 40-45 मिनट, कभी कभी एक एक घंटा भी ले लेता है। तो देख सकते हैं आप, ये 3:35 हो रहा है। रात में यहाँ पे जो DPF का लाइट है वो भी ब्लिंक कर रहा है, और हमारा यहाँ पे रीजनरेशन स्टार्ट है, आप इंजन का आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लॉन्च का स्कैनर का इस्तेमाल करके DPF रीजनरेशन कर सकते हैं, और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि गाड़ी जब तक अपने आप आइडियल में नहीं आ जाए और यहाँ पे रूटीन ओके नहीं लिख जाए, तब तक आपको रीजनरेशन के टाइम पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। गाड़ी को जैसा है वैसे ही चलते रहने देना है। तो अभी आपको देखा ये 35-36 मिनट हो गया है, अब हम इसको अभी और भी छोड़ते हैं और देखते हैं कि ये कब जाके यहाँ पे रूटीन ओके लिखता है, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस आपको बताएँगे कि क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पॉज करते हैं फिर से वापस से। तो दोस्तों इसका जो इंजन का जो RPM है वो आइडियल पर आ चुका है, आप आवाज़ सुन सकते हैं इसका। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे क्या लिख दिया, ये रूटीन ओके, और यहाँ पे जो DPF का लाइट ब्लिंक कर रहा था वो भी बंद हो गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ ओके करना है। ठीक है, अब शूट में देखिए 3.7 ग्राम अभी भी है, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से पहले स्विच ऑफ करते हैं, उसके बाद फिर इग्निशन ऑन करेंगे। ठीक है, देखिए अब ये लाइट आ रहा था DPF का वो अब नहीं आ रहा है, ये चला गया हुआ। ठीक है, और सूट ये DEF यूरिया का भी जो लेवल है फुल बता रहा है। अब यहाँ से जाएंगे, ओके करेंगे, वापस ओके करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टॉप करेंगे और बैक जाएंगे, स्टॉप करके बैक जाएंगे, यहाँ रिप्लेसमेंट में जाएंगे, कंपोनेंट में जाएंगे, फिर वापस से ये सारी चीज़ को रीसेट करेंगे एक बार। सक्सेसफुल सप्लाई पंप मॉड्यूल, सक्सेसफुल प्रेशर लाइन, सक्सेसफुल यूरिया एवरेज कंजम्पशन, ओके टैंक लेवल, DEF टैंक, डोजिंग वन, ओके जितना भी है सब कर देना है आपको। यहाँ से बैक जाएंगे, SCR में जाएंगे, ये भी कैसे रिसेट मारेंगे, उसके बाद फिर नॉक्स डाउन स्ट्रीम सेंसर, ऑक्सी कैट, डोजिंग मॉड्यूल, नॉक्स अपस्ट्रीम सेंसर कैटलिस्टिक, ओके टेम्परेचर सेंसर अपस्ट्रीम, ओके DPF, ओके बैठ जाएंगे, DPF में जाएंगे, ये भी सारा मार देंगे, ऑक्सीजन कैटलिस्ट ओके करेंगे, ये MC रीसेट, ये भी ओके, पार्टिकुलर फिल्टर ये भी ओके, लास्ट जो हमारा नॉन कंटिन्यूस शूट मास है वो भी कर देंगे, हो गया सर। अब जाएंगे यहाँ से बैक, फिर से बैक जाएंगे, वापस से बैक, रीड फॉल कोड में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जाके ये देखिए मेमोराइज में हो गया, पहले ये जो करंट में आ रहा था वो सब मेमोराइज में हो गया। अब यहाँ से जाएंगे बैक, क्लियर फॉल्ट कोड करेंगे, यस पे क्लिक कर देंगे, अब सारा फॉल्ट रीड करेंगे वापस से, नो ट्रबल कोड आ गया। अब यहाँ से रीड डेटा स्ट्रीम पे जाएंगे, सिग्नल पैरामीटर पे जाएंगे, और नीचे की तरफ जाएंगे, सूट मास की वैल्यू चेक करेंगे, सूट मास वैल्यू ओके करेंगे, देखिए ये 0 ग्राम हो गया। तो इस तरीके से हमने DPF रीजनरेशन लॉन्च का स्कैनर का इस्तेमाल करके सक्सेसफुली कर दिया दोस्तों। अब ये गाड़ी भी स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इंजन का आवाज़ जो है वो कितना स्मूथ हो गया। ठीक है, हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया है, देखिए आपका इंजन का आवाज़ भी, ये जो इंजन की गरजने का आवाज़ है ये पहले नहीं आ रहा था, तो इंजन देख रहा है कितना गरज रहा है। वापस से आपको एक्सीलेटर देख के दिखा रहे हैं, इस तरीके से जो हमारा प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया है दोस्तों। ठीक है, गाड़ी को करते हैं बंद, वापस स्टार्ट करके दिखाते हैं। एक्सीलेटर देते हैं, देख सकते हैं आवाज़। इस तरीके से हमारा जो DPF रीजनरेशन है टाटा एस गोल्ड, और जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम था यूरिया की वजह से
वो भी मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, बाय बाय।